हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में माइनक्राफ्ट मोबाइल गेम को कैसे इंस्टॉल करके खेल सकते हो। की मैपिंग कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे अगर आप लोग दोस्तों पीसी की जो माइनक्राफ्ट आती है उसे देखने जाओगे तो उसकी प्राइस दोस्तों मेरे ख्याल से 2000 के ऊपर है। लेकिन दोस्तों ये वाली जो गेम है माइनक्राफ्ट मोबाइल गेम वो अभी आप लोगों को 29 रुपीज के आसपास देखने को मिल रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग इंस्टॉल करोगे अपने पीसी में और कैसे खेलोगे, मतलब कि क्या की मैपिंग करनी है, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो बिना स्किप कर वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको जरूरत पड़ेगी अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में एक एमुलेटर की। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपने पीसी में यूज करता हूँ ब्लूस्टेक 5 का, मुझे काफी सही लगता है ये वाला एमुलेटर। अगर आप लोग भी इंस्टॉल करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि कैसे इंस्टॉल करना है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको ऑलरेडी रन करके रखा है, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करते दोस्तों हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा ब्लूस्टेक 5 में। अगर आप लोग दूसरा एमुलेटर यूज करते हो तो उसमें दोस्तों दूसरा इंटरफेस हो सकता है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि वहाँ पे कि आपको केवल गूगल प्ले स्टोर को ढूंढ लेना है, फिर दोस्तों उसके सर्च बार में आपको सर्च करना है माइनक्राफ्ट गेम और यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। तो अभी दोस्तों गूगल प्ले स्टोर ओपन नहीं होगा, दोस्तों ब्लूस्टेक 5 का ये जो ब्राउजर है वो हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग क्लिक करेंगे सर्च इन गूगल प्ले ताकि दोस्तों हम लोग गूगल प्ले में जा सके। और यहाँ पर दोस्तों आने के बाद हम लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाएगी माइनक्राफ्ट और उसके नीचे है दोस्तों माइनक्राफ्ट ट्रायल। लेकिन दोस्तों अभी ये जो माइनक्राफ्ट है फुल माइनक्राफ्ट गेम वो केवल 29 रुपीज में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम लोग इस पे क्लिक करते हैं 29 रुपीज पे ताकि हम लोग 29 रुपीज पे करके इसको इंस्टॉल कर सके अपने पीसी में। तो यहाँ पर हम लोग बाय पे क्लिक कर देंगे, 32 का रिडीम कोड पड़ा था हमारे पास। तो यहाँ पर दोस्तों अभी कोड मांग रहा है तो मैं फटाफट कोड दे देता हूँ, फिर आगे का जो है वेरीफाई करके मैं आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कैसे ये प्रोसेसिंग हो रहा है, मतलब कि इसको मैं नो कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, यहाँ पर नो थैंक्स पे हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो दोस्तों हमारी जो गेम है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। और हाँ दोस्तों ये कोई गलत तरीका नहीं है, 100% लीगल वे है माइनक्राफ्ट मोबाइल गेम को अपने पीसी में इंस्टॉल करके खेलने का। और अभी हम लोग माइनक्राफ्ट पीसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं माइनक्राफ्ट मोबाइल की, जो कि दोस्तों वैसी ही गेम है जो कि हम लोग अपने मोबाइल में खेल सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से अपने पीसी में भी इंस्टॉल करके माइनक्राफ्ट मोबाइल गेम को खेल सकते हैं लैपटॉप एंड पीसी में। तो यहाँ पर दोस्तों 674 यानी कि 674 MB की गेम है, तो इसको इंस्टॉल होने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला है। फटाफट मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ ताकि आपका भी टाइम और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर कैसे आप लोग देखोगे तो फाइनली हमारी जो गेम है वो हो चुकी है इंस्टॉल और यहाँ पर आ रहा है प्ले का ऑप्शन। अभी हम लोग इस पर क्लिक नहीं करेंगे, सारा कुछ हम लोग कट कर देंगे, एक मिनट क्लियर कर देंगे। और यहाँ पर देखो दोस्तों ये रही माइनक्राफ्ट गेम जिसे अभी हम लोगों ने इंस्टॉल करा। अगर इसमें दोस्तों की मैपिंग की जरूरत पड़ती है तो हम लोग दोस्तों की मैपिंग करके भी आपको दिखा देंगे, अगर नहीं पड़ेगी तो भाई कोई बात नहीं, आप लोग डायरेक्टली खेल पाओगे। लेकिन दोस्तों मोबाइल की जो गेम होती है ज्यादातर उसमें इशू होता है कि भाई की मैपिंग करो, स्किप कर देते हैं भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है माइनक्राफ्ट। अभी मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोग सही से देख पाओ। तो यहाँ पर कैसे आप लोग देखोगे तो हमारी जो गेम है वो सही तरीके से चालू हो चुकी है। यहाँ पर कह रहा है मैं भी लेटर कर देते हैं, साइनिंग नहीं करना है अभी हम लोगों को। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी सेटिंग कर लेते हैं, एक मिनट लो सेटिंग कर लेते, थोड़ा सा मतलब कि लैग का इशू हो रहा है अभी मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हाउ टू प्ले कीबोर्ड एंड माउस, भाई ये भी ऑप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिल गया। दिस मे टेक ए फ्यू मोमेंट्स, कीबोर्ड एंड माउस पे जाते हैं तो यहाँ पर कैमरा सेंसिटिविटी कम कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ओके ओके ओके, इंसर्ट एक्स एंड वाई, ऑटो जंप। और अभी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ड्रेसिंग रूम दिख रहा है हम लोगों को, प्ले का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो प्ले पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर दोस्तों क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप लोग अपना वर्ल्ड का नाम लिखो, तो जस्ट भाई एग्जाम्पल सही लिखा कि नहीं पता नहीं, सर्वाइवल और क्रिएटिव मोड, तो ये हमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग सर्वाइव पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर दोस्तों डू नॉट शो दिस स्क्रीन अगेन और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत लैगिंग मुझे दिख रही है भाई गेम के अंदर, पता नहीं क्या सीन है, लेकिन प्रॉपर सेटिंग करने के बाद वो सेटिंग मतलब कि ये जो लैग इशू है वो ठीक हो सकता है। और फाइनली आप लोग देख सकते हो कि जो हमारी गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर गाइस आप लोग देखोगे तो की मैपिंग की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि की मैपिंग जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ या फिर एक वीडियो बनाऊँ, नहीं नहीं बता ही देता हूँ। तो इसमें दोस्तों आप लोग WSD का यूज करते हुए भाई अपने बंदे को मूव कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों माउस के लेफ्ट की से आप लोग ऐसे ब्लॉक तोड़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, स्पेस की से जंप कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हमको देखने को मिलता है इसके अंदर। भाई गेम कितनी सही चल रही है आप लोग देख सकते हो। तो गाइस आप लोग कुछ इस तरीके से माइनक्राफ्ट मोबाइल गेम को अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करके खेल सकते हो। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही काम के और कमाल के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।